हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजू और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मल्टीटास्किंग इंडियन मॉम। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ लेके आई हूं। आज का जो वीडियो है वो है एक स्पा क्रीम बेस्ड वीडियो। और जनरली बहुत लोग अपने बालों को सॉफ्ट स्मूथ करना चाहते हैं, और गर्मियों के मौसम में हमारे बाल रूखे हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बाल सॉफ्ट हो जाएं, और उसके लिए हम स्पा कराते हैं, पार्लर जाते हैं और अपने बालों को स्पा कराते हैं, लेकिन उसे बहुत ढेरों पैसे खर्च हो जाते हैं और बहुत लोग नहीं जाना चाहते हैं पार्लर। तो उसके लिए आप घर बैठे बैठे किस तरीके से अपने बालों को स्पा जैसा ट्रीटमेंट दें वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और उसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आइकॉन बेल को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और वीडियो में आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ पैसे खर्च करके हमने अपने बालों को कितना अच्छा लुक दिया है, और आप अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा अंतर महसूस करेंगे, और आपको फिर पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपना पार्लर का मज़ा ले सकते हैं और अपने बालों को स्टाइलिश और अच्छा कर सकते हैं। गर्मियों में भी आपके बाल सॉफ्ट और सिल्की दिखेंगे, स्मूथ दिखेंगे, और आपके बाल जो है वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे इस छोटे से ट्रिक से, जिसमें आपको बस थोड़े से ही पैसे खर्च करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्पा क्रीम बनाने के लिए देखिए, हमने ये 1.5 चम्मच दही लिया है, और हमें चाहिए ये आलमंड ऑयल। हम 1 चम्मच लेंगे। ये देखिए, हमने 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल ले लिया है। अब हम ये इसमें मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो भी डाल सकते हैं, और ये तो एलोवेरा जेल आप पतंजलि का। देखिए, हमने एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून ले लिया है, और हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है कंडीशनर। मैंने ये पैंटीन का कंडीशनर लिया है, मैंने ये 3 पाउच लिए हैं, और मेरा बाल थोड़ा मोटा है और लंबा है, इसलिए मुझे 3 पाउच लगेंगे। और जिस आपके अगर बाल छोटे हैं पतले हैं तो 1 पाउच में भी हो सकता है, या 2 ले सकते हैं आप। मैंने ये दोनों कंडीशनर मिक्स करके और हम स्पा क्रीम बना लेंगे। सबसे पहले हम नारियल का तेल अपने हथेली पे लेंगे, थोड़ा सा ही नारियल तेल यूज़ करेंगे, और अपने स्कैल्प पे अपने फिंगर टिप से मसाज करेंगे। ध्यान रखेंगे कि तेल हम सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाएंगे, बालों में नहीं लगाएंगे, और फिर बालों का 2 भाग करके उनको अच्छी तरीके से हम सुलझा लेंगे। बिल्कुल भी गाठे नहीं होने चाहिए बालों में, टैंगल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इसलिए हम बालों को एकदम अच्छी तरीके से सुलझा लेंगे। और सुलझाने के लिए हम मोटी कंघी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, हमारा ये जो क्रीम है वो तैयार हो गया है, बहुत थिक सा है, और हम इसको थोड़ा थोड़ा लेंगे हथेली पे रब करके, और थोड़ा थोड़ा बाल लेते हुए और ऊपर से नीचे की तरफ लगाते जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा ही बाल लेके लगाएंगे, एक साथ पूरे बालों में इसे यूज़ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा बाल का पार्टीशन करते हुए और क्रीम हल्का हल्का लेके और अच्छी तरीके से अपने बालों में हमें इसे यूज़ करना है। यूज़ करते वक्त ध्यान रखें कि आपके पूरे बालों में ये जो क्रीम है वो अच्छी तरीके से लगे, ताकि इसका फ़ायदा अच्छे से अच्छा मिल सके आपको। अच्छे से ग्रीस करेंगे हम क्रीम को अपने हाथों पर, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाल लेते हुए और अच्छी तरीके से नीचे तक लगाएंगे। बाल के नीचे भागों में नीचे वाले भाग में हम अच्छे तरीके से क्रीम लगाएंगे। ये देखिए, हमारा एक साइड का जो भाग है वो अच्छी तरीके से हमने उसमें क्रीम लगा लिया है। अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे दूसरे साइड भी, उधर भी हम थोड़ा थोड़ा बाल लेते हुए और पूरा नीचे तक अच्छी तरीके से स्पा क्रीम लगा लेंगे। ये स्पा क्रीम जो है वो हमारे बालों को नरिशमेंट देगा, हमारे बालों को सॉफ्ट सिल्की स्मूथ बनाएगा, और आपको स्पा में जाके बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में सिर्फ 10 से 15 रुपए खर्च करके आप स्पा का मज़ा ले सकते हैं, आप अपने बालों को सिल्की और स्मूथ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, और डेफिनेटली आपको इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए, हमारे दोनों तरफ हमने अच्छे तरीके से क्रीम लगा लिया है,
और अब हम अपने बालों को अच्छी तरीके से जूड़ा बना लेंगे, हाई जूड़ा बनाएंगे अपने बालों का, और एक क्लचर से हम उसे क्लच कर लेंगे। जूड़ा अच्छे तरीके से बनना चाहिए ताकि वो खुले ना। ये देखिए हमने क्लचर से इसे क्लच कर लिया है। और अब हम एक प्लास्टिक की, एक पॉलीथीन की थैली से इसे बालों को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे और 1 घंटे तक हम इसे छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हम अपने बालों को वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरा ये ट्रिक्स अच्छा लगा होगा, और आप अब घर बैठे बैठे अपने बालों को स्पा जैसा लुक दे सकते हैं और आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करिए, ज़रूर ज़रूर लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दिखिए दीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो पूरा देखिए ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिल सके और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।